हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ बेवल गियर टूथ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने स्पर गियर और हेलिकल गियर की डिज़ाइन नहीं देखी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और लिंक दबा के पहले स्पर गियर और हेलिकल गियर की डिज़ाइन देख ले, उसके बाद बेवल गियर की डिज़ाइन देखे। लेकिन बेवल गियर की डिज़ाइन के पहले उसकी टर्मिनोलॉजी देखना मत भूलिए, ठीक है? तो सबकी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर आपने स्पर गियर से स्टार्ट किया है तो ये डिज़ाइन प्रोसीजर बहुत ही इजी रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट बेवल गियर डिज़ाइन। सो एज वी नो कि डिज़ाइन प्रोसीजर में हम बीम स्ट्रेंथ एंड वियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीम स्ट्रेंथ जो बेवल गियर टूथ है उसकी बीम स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है? तो पहले बीम स्ट्रेंथ क्या है वो हम देख लेते हैं कि इट्स अ मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड दैट द बेवल गियर टूथ कैन टेक अ लार्ज एंड। अब फ्रेंड्स, टर्मिनोलॉजी में आपने देखा होगा कि लार्ज एंड कौन सा है, ठीक है? लार्ज एंड विदाउट टूथ ब्रेकेज, ठीक है? सो मैक्सिमम लोड कितना वो सस्टेन कर सकता है टूथ, ठीक है, ब्रेक होने से पहले। तो उसके लिए इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है वो हम स्पर गियर से कॉमन इक्वेशन है, एफ बी इज इक्वल टू सिग्मा बी बी एम वाई। लेकिन जब आप यहाँ पे हेलिकल गियर और बेवल गियर की बात करते हो तो यहाँ पे वाई की जगह क्या होगा, वाई डैश होगा, और बेवल गियर में इतना एक्स्ट्रा है यहाँ पे वन माइनस बी अपॉन ए ज़ीरो, ठीक है? अब ए ज़ीरो क्या है, इट इज़ अ पिच कॉन डिस्टेंस। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको फिर कहता हूँ कि अगर आपने टर्मिनोलॉजी नहीं देखी है तो पहले टर्मिनोलॉजी देखिए, उसके बाद बेवल गियर की डिज़ाइन पे आइए, ठीक है? तो बी जो है वो फेस विड्थ है, और यहाँ पे वाई डैश जो है वो लुईस फॉर्म फैक्टर है, एम जो है दैट इज़ मॉड्यूल, बी जो है दैट इज़ फेस विड्थ, एंड सिग्मा बी दैट इज़ द बेंडिंग स्ट्रेस। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करना है। तो सिग्मा बी के लिए आपको एस यू टी दिया होगा, एस यू टी का मीनिंग है अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ, सॉरी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके? तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको दी होगी, तो डिवाइड बाय थ्री करके सिग्मा बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बी के लिए जो यहाँ पे स्टैंडर्ड एजम्पशन है वो है ए ज़ीरो बाय थ्री, मतलब पिच कॉन डिस्टेंस डिवाइड बाय थ्री, या तो 10 मॉड्यूल, 10 टाइम्स मॉड्यूल, ठीक है? ये दोनों में से जो कम है ये दोनों में से जो कम है वो हम फेस विड्थ में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है मॉड्यूल, वो तो सबको पता है डी बाय जेड, ठीक है? और ए ज़ीरो तो वो भी पता है, पिच कॉन डिस्टेंस। उसके बाद वाई डैश दैट इज लुईस फॉर्म फैक्टर, ठीक है? तो वाई डैश जो है वो हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये इक्वेशन आपको डिज़ाइन डेटा बुक में दिया रहेगा। अगर 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट है तो हमें ये यूज़ करना है इक्वेशन, और अगर 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट है तो हमें लुईस फॉर्म फैक्टर ये लेना है। उसमें फ्रेंड्स जो जेड दिया है उसका मीनिंग है वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, जेड डैश, ठीक है? इसके आगे जो मेरा लेक्चर है उसमें टर्मिनोलॉजी के साथ वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ का भी छोटा सा पोर्शन है, वो देख लीजिए, ठीक है? जेड डैश पी इज इक्वल टू, ये डिराइव किया था वहाँ पे कि जेड डैश पी इज इक्वल टू जेड पी अपॉन कॉस गामा पी। तो गामा पी क्या है, दैट इज पिच कॉन एंगल, ठीक है? पिच कॉन एंगल फॉर पिनियन एंड पिच कॉन एंगल फॉर गियर, ओके? तो यहाँ पे एक बार पिनियन के लिए और एक बार गियर के लिए जब आप करोगे तो आपको वाई डैश पी मिलेगा और दूसरा वाई डैश जी मिलेगा, ठीक है? हमको दोनों फाइंड करना पड़ेंगे, एक पिनियन के लिए और एक गियर के लिए। तो जब भी आप फाइंड करोगे लुईस फॉर्म फैक्टर तो यहाँ पे एक बार पिनियन के लिए रख दो जेड डैश पी, और एक बार गियर के लिए रख दो जेड डैश जी, ठीक है? तो दोनों हमें फाइंड करने पड़ेंगे। उसके बाद ये दोनों क्यों फाइंड करने हैं कि जब भी हम ये दोनों जो है गियर और पिनियन दोनों में से वीक कौन सा है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सिग्मा बी वाई डैश पी इफ़ लेस देन सिग्मा बी वाई डैश जी, ओके, देन पिनियन इज वीकर। आप ये इक्वेशन देख रहे हो फ्रेंड्स, एक पिनियन के लिए एक गियर के लिए सिग्मा बी तो कॉमन आएगा, तो जिसमें वाई डैश पी या वाई डैश जी के ऊपर डिपेंड है, तो लुईस फॉर्म फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा गियर या पिनियन कौन सा पार्ट वीक है, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बीम स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो भी वीक रहेगा, अगर गियर वीक रहेगा या तो पिनियन वीक रहेगा, जो भी वीक रहेगा,
तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे उसके हिसाब से हमें हमें यहाँ पे YDSP या YDSG यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन जो है वो क्लियर हो गया कि कैसे फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, बीम स्ट्रेंथ के बाद हमने फाइंड किया था वियर स्ट्रेंथ, ठीक है। स्पर और हेलिकल गियर दोनों में हमने फाइंड किया है और इसमें भी हम कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो वियर स्ट्रेंथ क्या है? तो वियर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू पिटिंग फेलियर, ओके। कि मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड द बेवल गियर टूथ कैन टेक अ लार्ज एंड विदाउट पिटिंग फेलियर। जो पिटिंग फेलियर होता है उसके लिए हमें वियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो भी डायरेक्ट आपको डिजाइन डेटा बुक में दिया रहेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन तीनों स्पर हेलिकल बेवल वॉर्म चारों में कॉमन रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें चेंज आता है लेकिन ऑलमोस्ट कॉमन रहेगा, बीम स्ट्रेंथ एंड वियर स्ट्रेंथ, ठीक है। सो वियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू डी डैश पी, मतलब कि पिच सर्कल डायमीटर ऑफ वर्चुअल स्पर गियर, ठीक है। बेवेल और हेलिकल दोनों में हम वर्चुअल स्पर लेते हैं, वर्चुअल स्पर पिनियन या तो वर्चुअल स्पर गियर लेते हैं। सो डी पी यहाँ पे पिनियन है, सो पिच सर्कल डायमीटर ऑफ वर्चुअल पिनियन गियर, ओके, पिनियन, ओके। एंड बी तो हमें ऑलरेडी आगे पता है कि बी कैसे फाइंड आउट करना है, ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद क्यू डैश जो है दैट इज द रेशियो फैक्टर। क्यू डैश क्या है? रेशियो फैक्टर। सो रेशियो फैक्टर हमें इस तरह से मिलेगा, जेड डैश जी अपॉन टू जेड डैश जी अपॉन जेड डैश जी प्लस जेड डैश पी, ओके। और जेड डैश जी भी हमें पता है कि कैसे फाइंड आउट करना है, जेड जी अपॉन कॉस गामा जी, ओके। जेड डैश पी इज इक्वल टू जेड पी अपॉन कॉस गामा पी। तो उस तरह से हमें यहाँ पे रेशियो फैक्टर मिल जाएगा। अब जेड पी जेड जी वो सब आपको गियर रेशियो या तो दिया होगा या तो स्पीड दी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ दिया होगा। तो वो इक्वेशन जो आगे हमने टर्मिनोलॉजी में देखे, तीन चार इक्वेशन थे, ठीक है, तो उससे हमें मिल जाएगा, ठीक है। देन लोड स्ट्रेस फैक्टर, ठीक है, ये सब इक्वेशन आपको डिजाइन डेटा बुक में भी दिया रहता है, लेकिन आपको उससे पहले एक बार रिफर करनी पड़ती है डिजाइन डेटा बुक, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको ये ढूंढना ना पड़े। सो लोड स्ट्रेस फैक्टर के, तो के लिए अगर स्टील जो पिनियन है वो स्टील का बना हुआ है और गियर दोनों स्टील के बने हुए हैं, तो हमें लोड स्ट्रेस फैक्टर ये यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों कास्ट आयरन के बने हुए हैं, पिनियन और गियर दोनों कास्ट आयरन के बने हुए हैं, तो हमें ये यूज़ करना है। और अगर स्टील जो है यार पिनियन जो है वो स्टील का और गियर जो है वो कास्ट आयरन का बना है, तो हमें ये इक्वेशन यूज़ करना है। फ्रेंड्स, ये इक्वेशन डायरेक्ट आपको दिया होगा डिजाइन डेटा बुक में, मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आपको वहां से रिफर करना पड़ेगा एक बार कि कितने इक्वेशन दिए हैं, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, इफेक्टिव लोड ऑन स्ट्रेट बेवल गियर। सो नेक्स्ट इज इफेक्टिव लोड ऑन स्ट्रेट बेवल गियर टूथ। तो पहले हमने क्या देखा, बीम स्ट्रेंथ फाइंड कर लिया, उसके बाद वियर स्ट्रेंथ फाइंड कर लिया, अब हमें इफेक्टिव लोड फाइंड आउट करना है, एफ इफेक्टिव, ओके। सो एफ इफेक्टिव, मैं फॉर्मूला आपको पहले से बता देता हूँ कि एफ इफेक्टिव हमें जो डायनेमिक लोड है बेवल गियर में, जो डायनेमिक लोड लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा कम ज़्यादा लोड लगेगा, दैट इज डायनेमिक लोड। तो उसके लिए हमें एफ इफेक्टिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फर्स्ट एफ इफेक्टिव मिलेगा वो ऑन द बेस ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन बाय वेलोसिटी फैक्टर के वी, ठीक है, वेलोसिटी फैक्टर उससे हमें मिलेगा। और दूसरा जो है प्रिसाइज एस्टिमेशन बाय बकिंगहाम इक्वेशन, मतलब कि दो एफ इफेक्टिव मिलेंगे, एक वन प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन और दूसरा जो है वो प्रिसाइज एस्टिमेशन, ठीक है, दो एफ इफेक्टिव मिलेंगे फ्रेंड्स। तो एफ इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? तो एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू एफ टी मैक्स अपॉन वेलोसिटी फैक्टर के वी, ठीक है। एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू वेलोसिटी एफ टी मैक्स अपॉन के वी। तो के वी क्या है? तो के वी इज द वेलोसिटी फैक्टर। और जो हम मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज करते हैं गियर बनाने के लिए, तो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग मेथड से हम गियर बनाते हैं, उसके हिसाब से हम वेलोसिटी फैक्टर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम में प्रॉब्लम में आपको वेलोसिटी फैक्टर दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो उसमें जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से हमें वेलोसिटी फैक्टर डिजाइन डेटा बुक में से डायरेक्टली लेना है। और यहाँ पे जो वी दिया है दैट इज द पिच लाइन वेलोसिटी, ओके। सो हमें फ्रेंड्स के वी जो है वो तो पता चल गया, अब एफ टी मैक्स क्या है? सो एफ टी मैक्स इज इक्वल टू KA KM FT, ठीक है, KA KM FT। तो FT इज द टेंजेंशियल फोर्स,
एफ टी क्या है, टेंजेंशियल फोर्स, द पी बाय वी, पी इज द अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिट, कि बेवल गियर जो है वो कितना अमाउंट में पावर ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें वो दिया रहेगा। और पिच लाइन वेलोसिटी जो है वो पाई डी पी एन पी अपॉन 16 to 1000 मीटर पर सेकंड, उस तरह से हमें एफ टी मिल जाएगा। अब एफ टी में दो फैक्टर हमें ऐड करने हैं, दैट इज द एप्लीकेशन फैक्टर और दूसरा जो है दैट इज द लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो के ए और के एम अगर आपको नहीं दिया तो आपको दोनों में वन वन ले लेना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फैक्टर है क्या। तो एप्लीकेशन फैक्टर क्या है कि अगर उसमें आप जो भी जहाँ पे भी एप्लीकेशन है बेवल गियर की उसमें कौन सा लोड लग रहा है, मतलब यूनिफॉर्म है या शॉक लोड जो मॉडरेट हो या हैवी शॉक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेशन फैक्टर सिलेक्ट किया जाता है। वो ऑलमोस्ट 1 से 1.75 के बीच में जनरली रहता है, ठीक है। और दूसरा जो है दैट इज़ द लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो वो जो बेवल गियर है वो माउंटेड कौन सी पोजीशन में वो माउंट रहता है उसके हिसाब से वो दिया होगा, ठीक है। अगर नहीं दिया तो फ्रेंड्स आप वन ले लेना, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट दिया ही रहता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ टी मैक्स, ठीक है। तो अगर एफ इफेक्टिव फाइंड करना है तो एफ टी मैक्स डिवाइड बाय के वी, ओके। सो ये हुआ पहला प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन बाय वेलोसिटी फैक्टर, ओके, ये हमने फर्स्ट एफ इफेक्टिव फाइंड किया। दूसरा जो है अगर एग्जाम में आपको एफ डी या तो यहाँ पे सी ऐसा कुछ भी दिया रहेगा तो आपको एफ डी फाइंड करना है, प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ डायनेमिक लोड बाय बकिंगहाम इक्वेशन, ये बकिंगहाम इक्वेशन है। तो यहाँ पे डायनेमिक लोड जो है वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे, वी क्या है, वी इज द पिच लाइन वेलोसिटी, बी इज द फेस विड्थ और सी क्या है, तो डिफॉर्मेशन फैक्टर या तो डायनेमिक फैक्टर, ठीक है, उसका इक्वेशन है। लेकिन इक्वेशन से पहले जो सी है वो हमें कॉमन, जो मैंने यहाँ पे बताया है, अगर दोनों स्टील के बने हैं तो सी आपको इस तरह से डायरेक्ट एज्यूम करना है, अगर दोनों कास्ट आयरन से बने हैं तो आपको ये एज्यूम करना है, अगर पिनियन जो है वो स्टील और कास्ट गियर जो है वो कास्ट आयरन से बना है तो आपको ये एज्यूम करना है, ठीक है। तो अभी इसका यूज़ इतना नहीं रहेगा क्योंकि ये डायरेक्टली एजम्पशन आपको डिज़ाइन डेटा बुक में दिया रहेगा, यू हैव टू फॉलो ओनली प्रोसीजर, ओके। सो आपको जो एफ डी जो फाइंड करना है उसमें सी आप जो मैंने अभी इक्वेशन बताया उससे फाइंड कर सकते हैं, एफ टी मैक्स ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है, एफ टी मैक्स इज इक्वल टू के ए के एम एफ टी और एफ टी इज इक्वल टू पी बाय वी, ओके। सो इस तरह से आपको एफ डी मिल जाएगा। वंस यू फाइंड द एफ डी, ठीक है, एफ डी आप फाइंड कर लो, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ। सो दूसरा जो एफ इफेक्टिव फाइंड करना है वो फ्रेंड्स याद रख लेना, एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू एफ डी प्लस के ए के एम एफ टी, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू एफ डी प्लस के ए के एम एफ टी, मतलब एफ टी मैक्स प्लस एफ डी, ठीक है। तो उस तरह से सेकंड एफ इफेक्टिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो प्रिसाइज एस्टिमेशन है अगर वो आपको सी दिया हो तभी वो फाइंड करना है, या तो आपको पिच एरर दी है तभी आपको फाइंड करना है, अदरवाइज उसको फाइंड नहीं करना है। तो लास्ट में सेफ्टी ऑफ द बेवल गियर पेयर, मतलब कि जो बेवल गियर जो है वो सेफ है कि नहीं है, तो उसमें जो बीम स्ट्रेंथ जो थी एफ बी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव, ठीक है, ये एक होना चाहिए कि जो उसकी बीम स्ट्रेंथ है वो एफ इफेक्टिव से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आपको दोनों मिल गए हैं और यहाँ पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हो, ठीक है। सेम वे सेफ्टी अगेंस्ट वियर फेलियर, सो एफ डब्ल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव, ओके। सो इससे भी आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये प्रोसीजर करने से पहले मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि स्पर और हेलिकल गियर की डिज़ाइन एक बार देख लीजिए ताकि ये डिज़ाइन आपको बहुत ही ईजी लगेगी क्योंकि प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।